खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सीएम योगी की तरफ से भरोसा दिया गया है कि वो कमलेश तिवारी के परिवार से मिलेंगे। इस वक्त आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के दौरे पर है। इस वक्त वो महाराष्ट्र में है, आज ही वहां से लौटेंगे और कमलेश तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि परिवार लगातार कह रहा था कि अंतिम संस्कार तभी होगा जब मुख्यमंत्री आकर हमसे मिलेंगे, हमारी बात सुनेंगे। अब से कुछ ही देर पहले एबीपी न्यूज ने बात की थी कमलेश तिवारी की मां से। उन्होंने कहा था, वो लगातार अड़ी हुई थी इस बात पर कि मुख्यमंत्री से हम मिलना चाहते हैं, अब मुख्यमंत्री परिवार से मिलेंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में है। और अब सीधा रुख करते एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो रणवीर, लंबे वक्त से, कल से ही लगातार परिवार ये मांग कर रहा था कि योगी आए वहां पर, उनसे बात करें, और आज योगी आदित्यनाथ मिलेंगे कमलेश के परिवार से। जी देखिए, आज की बात नहीं है, 20 तारीख की शाम तक जो समझौता हुआ है परिवार और प्रशासन के बीच में, उसमें साफ लिखा है, जो पहला पॉइंट है, कि 20 तारीख की शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिजनों से मुलाकात करेंगे। लेकिन इस पॉइंट में ये साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री सीतापुर आएंगे या परिजन लखनऊ जाएंगे। लेकिन प्रशासन ने जो आयुक्त के सिग्नेचर के साथ जो इन लोगों के साथ समझौता साइन किया है अंतिम संस्कार करने के लिए, उसमें साफ लिखा है कि 20 तारीख की शाम तक मुख्यमंत्री से परिजनों की मुलाकात कराई जाएगी। इसके साथ ही समझौते में ये भी है कि ये जो परिजन हैं, ये चाहते हैं एसआईटी और एनआईए के द्वारा जांच सुनिश्चित हो जाए और आईजी स्तर के अधिकारी जो है इसकी अध्यक्षता करें, तो इस पर भी सहमति बनी है, प्रशासन ने साइन करके दिया है। तो इस तरह से अलग अलग 8 पॉइंट हैं जिस पर सहमति बनी है और दोनों पक्षों ने मिलकर साइन किया है, और इसके बाद अब परिवार तैयार है अंतिम संस्कार के लिए। सुबह से ही जो कमलेश तिवारी की माँ और उनके बाकी परिवार के लोग हैं, वो सब इसी बात पर अड़े हुए थे कि मुख्यमंत्री आए, उनकी मांगे माने, तब जाकर वो अंतिम संस्कार करेंगे। तो अब एक अंतिम रास्ता निकला है अंतिम संस्कार का, इस समझौते के साथ।